नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले वार पलटवार का जो दौर है वो जारी है। इस बीच बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने महागठबंधन पर जोरदार आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये कोई आरजेडी की टीम नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, इन्होंने ही दिल्ली को जलाया है और इनसे बचना बहुत ज़रूरी है और ये लोग सिर्फ यही करना जानते हैं और अगर बिहार को बचाना है तो इनसे भी बचना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं कपिल मिश्रा, ये आप खुद सुनिए। युवा जोश के साथ तेजस्वी उतरे हैं मैदान में और कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और युवाओं का ही देश में राज रहेगा। और नीतीश कुमार की सरकार ने 15 साल में कुछ नहीं किया, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए, मैं तो केवल ये बताने के लिए आया हूँ, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये कोई राजद चुनाव नहीं लड़ रहा है या कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, ये माले चुनाव लड़ रही है, ये नक्सलवादी चुनाव लड़ रहे हैं। और जब ये गलती से भी जब भी इनकी सरकार आती है, इससे पहले ये अपहरण का धंधा चलाते थे, रंगदारी का धंधा चलाते थे, अब ये देश को तोड़ने का धंधा चला रहे हैं। दिल्ली में ये ताकतें जब सत्ता में आई तो इन्होंने 15 दिन के अंदर दिल्ली जलानी शुरू कर दी, सड़कें बंद करनी शुरू कर दी, दंगे करने, कत्लेआम करने शुरू कर दिए। हम तो आज ये बताने के लिए आए हैं कि इस टुकड़े टुकड़े गैंग से बिहार को आज़ादी मिली हुई है और मिली रहेगी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग टुकड़े टुकड़ों में ही बटा रहेगा और कभी सत्ता में नहीं आ सकता। तेजस्वी यादव, अब तो उन लोगों ने भी 9वीं पास कर ली कोरोना के दौर में जो 20-20 साल से नहीं कर पा रहे थे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि 9वीं 10वीं पास करें, खुद को एक अच्छा सा रोजगार दें और उसके बाद साबित करें। एक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री का बेटा अगर पढ़ाई नहीं कर पाता है तो वो बिहार का प्रतीक नहीं बन सकता। बिहार का प्रतीक वो नौजवान बनेगा जो शिक्षित भी है और मेहनत करके अपने दम पे आगे बढ़ना भी जानता है। राहुल गांधी बोलते हैं कि चीन की सेना ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया, तो राहुल गांधी चीन के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, चीन के एजेंट बन के चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारत के सभी नागरिक बिहार रेजिमेंट के साथ खड़े हैं और भारत की पराक्रमी सेना के साथ खड़े हैं। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।